कैसे आप सब? आई होप गाइस अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ पे मस्त 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 हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्लैम 21 का लिप लाइनर, आई लाइनर, लिप पेंसिल, आई पेंसिल जो है इसको आप बोल सकते हो। तो ग्लैम 21 का प्रोडक्ट गाइस टिल नाउ मैं जितना भी यूज़ की हूँ वो एवरेज रेटिंग में ही रहा है ना। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत जो है ये मेरा बहुत लेवल से बिलो भी नहीं रहा है। मीन्स इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कोई भी प्रोडक्ट हो 5 में से 3.5 या 4 के अंडर जो है मैं रखती हूँ ग्लैम 21 का प्रोडक्ट। तो गाइस ये लिप पेंसिल मैं रिटेल शॉप से ख़रीदी हुई हूँ एट अ कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़। एक्चुअली इस पेंसिल में जो है गाइस MRP कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप रिटेल शॉप से ख़रीद रहे हो तो ये हो सकता है आपसे 40 ले या फिर 50 ले या फिर 20 ले, डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टोर से या कौन से शॉप से जो है इसको ले रहे हो रिटेल स्टोर से। बट मेरे लिए ये मेरे से 30 रुपीज़ में लिए, जिस रिटेल शॉप में मैं जाके इसको ख़रीदी हुई हूँ वहाँ से मैं 30 रुपीज़ में जो है इसको परचेज़ की हुई हूँ। इसका जो कलर है गाइस ये L27 दैट इज़ न्यूड वाइन इन कलर है। इसका जो नेट ग्राम है गाइस ये नेट वेट है आपका 1.8 ग्राम का प्रोडक्ट है। और इसको गाइस मैं लिप्स में ही ज़्यादा यूज़ करना प्रिफर करती हूँ बिकॉज आईज में मुझे आई डोंट नो कि और कोई कलर मुझे अच्छा लगे या ना लगे, आईज में मुझे जो आपका आईलाइनर होता है वही अच्छा लगता है और ब्लैक आईलाइनर ही जो है मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। और उसी से जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो लुक है ये बहुत सही है। तो ये लिप लाइनर जो है गाइस ये डेफिनेटली मुझे चाहिए रहता है बिफोर अप्लाइंग लिपस्टिक। इट्स ऑल बिकॉज कि ये इसको अगर नहीं यूज़ करती हूँ ना तो मेरे लिप में अगर लिपस्टिक भी लगा हुआ रहेगा फिर भी मेरे को लगेगा कि देयर इज़ अ समथिंग दैट इज़ इनकम्प्लीट इन माई लिप या फिर इनकम्प्लीट विथ माई फेस। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है फॉर मी टू यूज़ दिस लिप पेंसिल। लिप पेंसिल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो बट इसका अगर मैं बात करती हूँ पर्सनली कि ग्लैम 21 का लिप पेंसिल कैसा है तो डेफिनेटली गाइस 5 में से 4 रेटिंग के अंदर मैं इसको रखना चाहूँगी। जैसे आपका लिपस्टिक फेड होता है ये भी धीरे धीरे करके जो है इनविजिबल होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 घंटा तक जो है आप इसको लेके चल सकते हो कि आपके लिप्स में रहेगा, उसके बाद जो है कहीं गायब ही हो जाएगा। ऐसा आप अगर यूज़ कर रहे हो गाइस तो खुद से ही लगेगा। एनीवे गाइस इट्स जस्ट अ गुड परचेस फॉर मी। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो ज़रूर से शेयर कीजिएगा इन माई कॉमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा है ये लिप पेंसिल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून गाइज विद अ नेक्स्ट वीडियो। टिल सो गाइज ये है लिप पेंसिल आपका और इसको मैं थोड़ा सा जो है अपने हैंड पे अप्लाई करके आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक ही मतलब ये काफ़ी सही है। एक या दो बार अगर आप इसको अंडरलाइन करोगे अपने लिप्स पे तो जो है एक परफेक्ट लाइन जो है ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी सही है बट अगर आप इसको हाथ से रफ कर रहे हो तो डेफिनेटली गाइस ये जो है निकल जा रहा है। तो आप देख ही सकती हो कि मैं जैसे बोली हूँ कि ये फेड हो जाता है, तो यस ये फेड हो जाता है। तो एनीवे गाइस आप इसको पिक कर सकते हो, वन टाइम यूज़ जो है ये ज़रूर।